Hello, look, everyone. This is me, Mohammed Asif, and you are watching our vlogging channel TI Routine. आज सुबह सुबह रिक्शे पे बैठ के हम जाने लगे हैं भट्टे पे, दुकान की छत डबल करने के लिए कुछ ईंटें बंदोबस्त किया था उधर. अबू जी से बात हुई है, उन्होंने कहा आप आ जाओ उधर ही, मैं पहले से उधर मौजूद हूँ तो बता दूंगा जो ले जानी है. ईंटों के पास पहुँच जाए, इजाज भाई रिक्शा मेरे ऊपर चढ़ाने लगी है. तो ईंटें हमारी हैं ये वाली, अभी सबसे पहले तो इनको लोड करने का काम करेंगे दोनों भाई मिलके. ये वाली ईंटें छत के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल करनी है डबल करने के लिए. भाई साहब ईंटें तो अपनी लोड हो चुकी हैं, हाथ हमारे कुछ इस तरह हो चुके हैं, इधर जो पड़ी थी वो सारी लोड कर ली है रिक्शे पे. भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको गिनती कैसे करेंगे. तो इजाज़ भाई तो कोई अंदाज़ा लगा रहे थे, वो इस तरह डबल डबल गिन रहे थे, लेकिन अभी मुंशी आने वाला है तो ये इजाज़ भाई लेके आ रहे हैं, तो इसकी गिनती करते हैं और फिर निकलते हैं घर. मुंशी की लिखाई तो भाभी माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसकी पर्ची बना ली है. इजाज़ भाई उधर से रक्षा मोड़ के आते हैं, फिर निकलते हैं दुकान पे जाके इसको उतारनी है. उतारने के बाद फिर कह रहे थे कि शाम को दूसरा चक्कर लेंगे, या शाम को नहीं भी आए तो कल फिर, या इसी तरह जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा फिर उठा लेंगे. 2500 है हमारी. अल्हम्दुलिल्लाह जी धान अपना बिल्कुल पक चुका है, ये अपना एक एकड़ है जो पक चुका है, और इस साइड पे अपनी कपास है जिसको अभी ख़त्म करने वाले हैं, जो मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ. इसकी लकड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता काटनी शुरू कर दी हुई हैं, कभी बकरियाँ ले आते हैं कभी खुद आते हैं, वैसे ही आके थोड़ी बहुत काट लेते हैं, कभी कोई काम कभी कोई काम, इसी तरह मिक्स काम होते रहते हैं, और ज़िंदगी है और अपनी ऐसे ही चलती रहती है. दूसरा एकड़ है हमारा इस मकई से उस साइड पे, इस खाल में हो के आगे चला जाता हूँ, वो भी बिल्कुल ही पक चुका है. उसमें काफ़ी जगह पे गिर गया है कि उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा था, और पानी रात को लगाया था, दूसरे दिन हवा चल पड़ी थी तो वो गिर गया था. बीच में इस साइड पे गिरा हुआ है, इधर भी गिरा हुआ है, और बीच में जगह जगह पे गिरा हुआ है, इस साइड पे चाह चुका है, ये भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया है. तो जो नसीब का चावल है वो हमें मिल जाएगा, और जो हमारे नसीब में नहीं था तो उसके लिए हम जितनी भी कोशिश कर लेते वो हमें नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा. हर साइड पे हार्वेस्टर चल रहे हैं, एक हार्वेस्टर इधर चल रहा है, एक हार्वेस्टर उधर दूसरे गांव में चल रहा है. इधर कटाई हो चुकी है तो उन्होंने वो नीचे जो बचा हुआ था थोड़ा बहुत हिस्सा उसका क्या बोलते हैं अभी वो मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो उसको उन्होंने आग लगाई हुई है कि फिर गंदम की बिजाई शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता. अचानक मुझे याद आया कि शाम होने वाली है, दूध लेना है, तो दूध का बर्तन पहले ले आता हूँ, फिर उसके बाद उधर घास उठाना था, वो घास उठाता रहूँगा, इतने में शाम हो जाएगी. क्योंकि दूध लेना है दूसरे गांव से, तो जो हमारे धान से उस साइड पे जो गांव है तो उसके लिए अम्मी फिर उधर चली जाएगी, मैं घास उठा के घर वापस जो भाग जो शाम हो गई है. दूध के लिए जग ले लिया है, जल्दी जल्दी जाके अम्मी जान को देता हूँ. फिर अम्मी जान कहती है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाए तो फिर आ जाना, साथ में वापस आएंगे, तो बेहतर यही होगा कि मैं थोड़ा इधर से घास उठा लूँगा और अम्मी जान उधर से दूध लेकर आ जाएंगी. शाम होने से पहले पहले सारे काम ख़त्म करने हैं, तो दूध का बर्तन अम्मी जान को जाके दे देता हूँ, वो उधर साथ वाले गाँव में चली जाएगी, मैं जल्दी जल्दी घास इकट्ठा कर लूँगा, और इधर जो हार्वेस्टर लगी हुई थी तो उधर से जाके मैं घास इकट्ठा कर लूँगा. हार्वेस्टिंग के बाद जो गंद मचाई खड़े न, एडा धूं अंधार है, सा नहीं गिदा वेंदा इत्थे. गांव की हवा बहुत ज़्यादा तरोताज़ा होती थी, लेकिन ये जब मौसम आती है चावल की कटाई की तो हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है. अभी इधर सांस नहीं लिया जा रहा.